बॉलीवुड में आपने बहुत से अभिनेता भाइयों की जोड़ी देखी होगी, पर विलन भाई की जोड़ी वर्मा भाइयों के बारे में आपको पता नहीं होगा, जिनमें एक टीनू वर्मा है तो दूसरे हैं उनके भाई जीतू वर्मा, जो दोनों ही बॉलीवुड की अहम फिल्मों में अच्छा खासा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके बड़े बड़े विलन अभिनेताओं को घाट घाट का पानी पिला चुके हैं। लेकिन आप अभी तक सिर्फ इनके खतरनाक रोल के ही बारे में ही जानते होंगे। आपने इन विलन भाइयों की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जाना होगा कि इन दोनों का किस तरह से बॉलीवुड में आना हुआ, ऐसे इन्होंने स्ट्रगल किया। अगर आप वर्मा भाइयों की बायोग्राफी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड में कितने भी विलन क्यों ना आ जाएं, पर अभिनेता टीनू वर्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, जिन्होंने मेला फिल्म में गुज्जर सिंह का खतरनाक किरदार निभाकर आज भी अपना नाम टॉप विलन अभिनेताओं में शुमार करवाया हुआ है। पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अकेले नहीं है, बल्कि इनके भाई जीतू वर्मा भी इनसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करके जूजू नाम के कैरेक्टर से पूरे इंडिया में फेमस है। जी हाँ, ये वही जूजू है जिन्हें आपने सोल्जर और टार्जन द वंडर कार मूवी में देखा होगा। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों विलन भाई सगे भाई नहीं हैं, बल्कि सौतेले भाई हैं। इनके पिता बद्री प्रसाद जय वर्मा, जिनकी कोई भी फोटो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, उनकी संतानें हैं। ये दोनों ही इनकी दो धर्म पत्नियों के बेटे हैं। बावजूद इसके इन दोनों के बीच में अपार प्रेम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें अभिनेता टीनू वर्मा के बारे में, तो इन्हें हमेशा से ही एक्टिंग फील्ड में कुछ ना कुछ करना था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने के साथ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है, लेकिन इन्होंने एक्ट करना साल 1993 की फिल्म आँखें से शुरू किया था, जिसके बाद इसी साल बाजीगर मूवी में भी नजर आए थे। पर इन्हें सफलता तो गुज्जर के किरदार में मेला फिल्म से ही मिली, जिसके लिए ये आज भी यादगार हैं। इसके बाद ये छोटे पर्दे के 2-3 माइथोलॉजी शो में भी नजर आए, जो कर्म फल दाता शनिदेव, महाकुंभ और महाभारत है। लेकिन इन सब से हटकर साल 2013 में टीनू वर्मा अपने भाई मनोहर वर्मा पर जानलेवा हमला के लिए लाइमलाइट में आए थे, जहां पर मनोहर के बयान के आधार पर पुलिस ने टीनू के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक टीनू का प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मनोहर से अनबन चल रही थी। ये तो बात हो गई टीनू वर्मा की, अब बात करते हैं इनके भाई जीतू वर्मा की, जो बॉलीवुड के जाने माने स्टंटमैन और हॉर्स राइडिंग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने फिल्मों में हॉर्स सप्लाई का काम भी काफी अच्छे से किया है। इसी के साथ इन्होंने साल 1994 में प्रसारित सीरियल महाराजा डॉटर से अपने डांसिंग करियर की शुरुआत की थी, पर बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म थी औजार, जिसके बाद ये डायरेक्ट सुनील शेट्टी और अक्षय की मूवी सपूत में भी नजर आए। पर इन्हें पहचान मिली अजीबोगरीब हेयर स्टाइल और स्केटिंग करने वाले कैरेक्टर जूजू से, जो सोल्जर फिल्म में दिखाई पड़ा था, और इसी फेमस कैरेक्टर के चलते इन्हें 2-3 फिल्में और करने को मिली, जिसमें इन्होंने अपनी एक्टिंग और डिफरेंट कैरेक्टर से 4 चांद लगा दिए। लेकिन अगर बात करें अब जीतू वर्मा क्या करते हैं, तो अब ये हिंदी और बहुत सारी दूसरी भाषाओं में एक्टिंग के साथ साथ स्क्रिप्टिंग का भी काम करते हैं। इनके काम की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इन्होंने साल 2006 में आई अंग्रेजी मूवी द फॉल में भी काम किया था। ये 5 नायकों में से एक नायक के किरदार में नजर आए थे। इसके अलावा ये वेब सीरीज मिर्जापुर में भी नजर आ चुके हैं। लेकिन अच्छे खासे एक्टिंग करियर में इनके ब्रेक तब लगा जब कुछ लुटेरों ने इनकी आंखों पर अटैक किया, जिसकी वजह से ये 3 साल तक ठीक से देख नहीं पाए, और इस मुश्किल की घड़ी में सुनील शेट्टी ने इनकी काफी हेल्प की। तो दोस्तों, क्या आपको इन विलन भाइयों के बारे में पहले से ये सब जानकारी थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।